लिए बोया माइक का बॉक्स हमने ओपन किया, पहले दिया हुआ है इंस्ट्रक्शन। ये कभी कभी हमें काम में आती है, कभी कभी काम में नहीं आती है। इसका स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं स्पेसिफिकेशन में, स्टॉप करके पढ़ सकते हो वीडियो को। ये रखा हमने साइड पे, फिर आता है अपना मेन पॉइंट पे जाते हैं। ये है बोया माइक, जो दिखने में इसकी क्वालिटी तो बहुत ही अच्छी दिख रही है। इसका स्टील देखिए, ये देखिए हमारा माइक्रोफोन इस तरह से आएगा। हमको यू माइक रखेंगे और यहाँ से करेंगे। ये देख लीजिए क्वालिटी उसकी, माइक की क्वालिटी देखिए आप लोग, देखिए ये हमारा BM-800 पावर पिक की है। BM-800 और भी बहुत सारी कंपनीज के हैं, लेकिन हमें लेना है पावर पिक का, दी बेस्ट आता है सुना है हमने ऐसा। ये है हमारा माउंट, ये है हमारा माउंट है, शॉक प्रूफ माउंट। इसको ऐसे करके इस तरह से जब भी माइक सेट करें तो ये जो है इसको ऐसे प्रेस करके उसके अंदर माइक डाल देंगे। इसके अंदर भी फोम की शीट के टाइप वो दिया हुआ है। ये है हमारा, इसको लगाएंगे हम स्टैंड पे। ये देख लीजिए हम आपको दिखा दे रहे हैं, ये माइक आ गया इसके अंदर, ये स्टैंड के अंदर आएगा। और ये हमेशा जब भी रिकॉर्ड करते टाइम आप जब भी रखो तो हमें पावर पिक जो लिखा हमारे सामने की साइड में रखा, क्योंकि माइक इस तरफ है तो उसको रिकॉर्डिंग में आपको बहुत इजी रहेगा। ये है, और ये है हमारा विंडो। इससे आपका जब भी माइक पर रिकॉर्डिंग करोगे, इससे माइक पे रिकॉर्डिंग करोगे तो जो हम हवा आती है उसको कवर करेगा। ये क्वालिटी तो अच्छी लग रही है, क्वालिटी खराब तो नहीं है। अबाउट वायर होगा 2 मीटर के आसपास वायर है, का वायर है। और साथ में ये एक सिलिका जेल जो मोस्टली सब प्रोडक्ट में आजकल आपको दिख ही रहा होगा। इसका फायदा है कि कुछ स्मेल, कुछ एक्स्ट्रा स्मेल वगैरह है, उससे ये हमारे प्रोडक्ट को बचाता है।